हेलो गाइस, आपका हमारे एस्पिरेंट यू सिविल इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो टॉपिक है कोस्ट टू रेस्टोरेंट। इंडियन रेलवे अपने पुराने रेलवे डिब्बे को जो ट्रेन में उपयोग के लिए सूटेबल नहीं है, ऐसे डिब्बों को पैसेंजर के अट्रैक्शन के लिए न्यू बेस्ट कॉन्सेप्ट पे रेस्टोरेंट बदलकर उनका रिन्यूअल कर रहा है। तो इस तरह के प्रोजेक्ट इंडिया में कहाँ कहाँ निर्माण किए जा रहे हैं और इसके लिए इंडियन रेलवे ने क्या पॉलिसी लाई है और ये वर्तमान समय में कहाँ पे इसका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, तो इसके बारे में विस्तार से बात करते हैं। तो चलिए आपको इसके बारे में सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताते हैं। इंडियन रेलवे अपने ओल्ड रेलवे कोचेस जो ट्रेन के उपयोग के लिए सूटेबल नहीं है, ऐसे कोचेस को पैसेंजर के अट्रैक्शन के लिए बेटर कॉन्सेप्ट रेस्टोरेंट में बदलकर उनका रिन्यूअल कर रहा है। 29 जनवरी 2022 को ऐसा ही एक रेस्टोरेंट जबलपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 के पास बनकर तैयार हो गया है। रेल कोच रेस्टोरेंट जो खराब होने की कगार है पर है, उन पुराने कोचेस को मॉडिफिकेशन करके उनको पुनर्जीवित करके बनाया जाएगा। इस तरह के रेलवे कोच मध्य प्रदेश में भोपाल एवं जबलपुर मंडल के अंतर्गत 7 मेन स्टेशन पर 200 स्क्वायर फीट एरिया में डेवलप किए जाएंगे। एक बार रेलवे कोच रेस्टोरेंट स्थापित हो जाने के बाद कोच रेस्टोरेंट द्वारा इंडियन रेलवे के लिए नॉन फेयर रिवेन्यू के रूप में लगभग 4.7 करोड़ रुपये की एडिशनल इनकम का सोर्स बन जाएगा। इंडियन रेलवे द्वारा चलाई गई एक स्कीम है NFR पॉलिसी, जिसे नॉन फेयर रिवेन्यू पॉलिसी कहते हैं, और यह कैसे काम करता है और इसके द्वारा सोर्स ऑफ इनकम कैसे जनरेट किया जाता है, तो इसके बारे में अब विस्तार से बात करेंगे। इंडियन रेलवे की NFR पॉलिसी यह सुनिश्चित करती है कि रेलवे द्वारा गुड्स ट्रांसपोर्ट और ट्रेन पैसेंजर से प्राप्त इनकम के अलावा डिफरेंट सोर्स के माध्यम से अपनी इनकम में वृद्धि प्राप्त करना होता है। भारतीय रेलवे की संपत्ति का मुद्रीकरण करने और रिवेन्यू देने की एक्टिविटीज़ को शुरू करने के लिए इंडियन रेलवे ने नॉन फेयर रिवेन्यू में वृद्धि के लिए न्यू आइडियाज़ एंड कॉन्सेप्ट का बढ़ावा देने का के लिए इस पॉलिसी को 21 मई 2018 को जारी किया था। NFR पॉलिसी को कैसे लागू करते हैं इसके बारे में विस्तृत से बता रहे हैं। सबसे पहले NFR पॉलिसी को जोनल रेलवे पर मंडल लेवल पर फंक्शनिंग किया जाना होता है। उसके बाद जोनल रेलवे द्वारा न्यू आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट को रिसीव करना होता है और उसकी जांच एवं फंक्शनिंग करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। रेलवे द्वारा NFR के अंतर्गत रिसीव न्यू आइडिया एंड कॉन्सेप्ट कुछ इस प्रकार होते हैं, जैसे यात्री आरक्षण प्रणाली द्वारा टिकट में विज्ञापन का प्रदर्शन, BMI बॉडी मास इंडेक्स कियोस्क डिफरेंट स्टेशन पर लगाया जाता है, LED डिजिटल वॉल या स्क्रीन द्वारा एडवर्टाइजमेंट का दिखाया जाना, ट्रेन के डिब्बों में वाटर प्यूरिफायर या RO कैंट लगाना, माइक्रो स्मार्ट स्टे लॉन्जेस का डेवलपमेंट करना, सार्वजनिक सूचना प्रणाली के माध्यम से मेल या एक्सप्रेस ट्रेन में विज्ञापन दिखाना, रेलवे स्टेशन पर फूड कोर्ट की स्थापना, हेरिटेज कैफे, हेल्थ ATM इत्यादि के सोर्स के माध्यम से नॉन फेयर रिवेन्यू जनरेट किया जाता है। नॉन फेयर सोर्सेस से राजस्व उत्पन्न करने के लिए इंडियन रेलवे ने बजट अनुमान 2018-19 के लिए 1200 करोड़ रुपये का वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किया था। वर्तमान समय में जबलपुर मंडल के अंतर्गत जबलपुर, मदन महल, मुडवारा, सतना एवं रीवा स्टेशन तथा भोपाल मंडल के अंतर्गत भोपाल एवं इटारसी रेलवे स्टेशन पर कोच रेस्टोरेंट का निर्माण कार्य जारी है। 29 जनवरी 2022 को जबलपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर कोच रेस्टोरेंट का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया और प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ कार्य अभी प्रगति पर है। मदन महल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर कार्य अभी जारी है। कोच रेस्टोरेंट द्वारा भोपाल मंडल में अगले 5 वर्षों में 4.57 करोड़ रुपये तथा जबलपुर मंडल में लगभग 3.33 करोड़ रुपये का रेवेन्यू प्राप्त होने का अनुमान लगाया जा रहा है। इस रेलवे कोच की क्या क्या विशेषताएं हैं? इस रेल कोच रेस्टोरेंट में 24
24 घंटे भोजन की व्यवस्था उपलब्ध रहेगी। रेलवे पैसेंजर के साथ साथ आम शहरवासी भी इस रेल कोच रेस्टोरेंट में डिलीशियस फूड का आनंद उठा पाएंगे। इसमें टेक अवे फैसिलिटी भी होगी। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन टेक अवे फैसिलिटी एंड फूड डिलीवरी? टेक अवे फैसिलिटी में के लिए यह आवश्यक है कि आप रेस्टोरेंट से आर्डर को फिजिकली फॉर्म में कलेक्ट करते हैं, जबकि डिलीवरी में क्या होता है कि जब एक रेस्टोरेंट आपके घर पर खाना पहुंचाने का काम करता है तब उसको हम डिलीवरी सिस्टम कहते हैं। इसके लिए रेस्टोरेंट का एक स्टाफ मेंबर या सदस्य आपके भोजन को आपके होम तक छोड़ के जाता है। इंडियन रेलवे द्वारा बनाया गया रेल कोच रेस्टोरेंट टूरिज्म को बढ़ावा देने में कारगर होगा। इस तरह का रेल कोच रेस्टोरेंट को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत निर्माण किया जा रहा है। तो कैसा लगा यह वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।